यार संगार और आसिफ भट्टी साइड में हट जाए। केडी सुरानी आदिल आज खेलेंगे और रफीक मारा और इसी बीच सोनू अंसारी आज लाइव की सेवा देंगे। तो आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू होने वाला है। मुश्ताक अबड़ा अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया यहां पे आए, अपनी टीम ऐड करवा ले दोनों ही कप्तान। तो सुलेमान काफी चौकनी निगाह है। इसी बीच फिरोज भाई अरब यहां पे मौजूद, इमरान भाई अरब यहां पे मौजूद। तो हबीब होटल के ओनर मोहम्मद भाई कुंभार यहां पे मौजूद। बाहर जो प्रेक्षक आग जला के बैठे कृपया आग बुझा दे, अगर आग ही जलाना है तो कृपया ग्राउंड से दूर जलाए, ये धुआं अंदर आता हुआ। कल भी डिस्टर्ब हुआ था, मैच हार गए थे हम लोग। इसी बीच देव ठक्कर आज पहली बार मैच देखने आए हैं। तो काफी देखने आए हैं सैयद आजाद बाबू ठंड का मजा लेते हुए।
और भी प्रेक्षक यहाँ पे मौजूद, जो बाइक में जगह नहीं है तो बाइक में बैठे हैं, कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। सोनू अंसारी भी हमारे बीच लाइव, काफी मुस्कुराते हुए, छोटे से हमारे बचाव के डमरू। मामनसा शेख ने काफी बढ़िया नाम दिया है। तो जल्द से जल्द प्लेयर सभी ग्राउंड में चले जाए और जो बाकी जो खिलाड़ी नहीं है वो बाहर आ जाए। तो पूरी टीम ग्राउंड में आती हुई, तो इरफान सोलंकी, दर्शन ठक्कर से लाइव मिलते हुए, काफी अच्छे प्लेयर है दर्शन, आज खास मैच खेलने आए हैं भुज से। पीयूष ठक्कर, भरत संगार, अकबर संगार, तो कासम चौहान इसी बीच थोड़ी सी परेशानी में, आज कभी बढ़िया सेवा दी है, पूरा टेम्पा लेकर आए हैं। और इसी बीच हमारे जाने माने खतरनाक, काफी भरोसे वाले विश्वास टायर के ऑनर इकबाल भाई राजा आज काफी मजा लेंगे इस मैच का। कल मेरी धुलाई हुई थी, उसके बाद दिखे नहीं थे। और शकील कुरैशी, उनकी टाल दिखती हुई, तो पूरी टीम ग्राउंड में जा चुकी है। तो जल्द से जल्द यह मुकाबला शुरू होने वाला है, दर्शक कहीं भी ना जाए, अपनी जगह अपनी सीट बेल्ट बांध ले, काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो प्रेक्षक जो स्टेज के सामने है कृपया साइड में हो जाए, अपनी जगह रोक ले, क्योंकि जगह मिलने वाली है नहीं। तो काफी दर्शक आए हैं दर्शक को देखने। पहला सेमीफाइनल और अंपायरिंग की सेवा देंगे दोनों ही काफी बढ़िया अंपायर, एक जमाने के स्टार कासम कुरैशी और इकबाल शेख। प्रेक्षक जो बीच में है वो साइड में हट जाए। इसी बीच हमारे अस्पाक रबाड़ा भी आ चुके हैं फ्रॉम तलाला, काफी दूर से आए हैं बच्चों की सरजमी पे अपना मैच खेलने। झाड़ू दे तो काफी बड़ा मुकाबला आज का, ये पहला सेमीफाइनल, दूर दूर से आए हैं खेलने इस ग्राउंड पर और काफी बड़ा परफॉर्मेंस देंगे आदिल भाई कुरैशी। आज पूरा मौका है स्टार बनने का। तो ये जोश और जुनून आप देख सकते हैं, चौके छक्के लगे नहीं, अब उसे पीपुड़े चालू हो गए हैं। तो इसी बीच शकील कुरैशी, शकील बोला अंदर,
तो झाड़ू को अंदर भेज दिया कृपया। आयोजक मित्र, दो से तीन बार अनाउंसमेंट कर चुका हूं मैं, कृपया अंपायर पे भी ध्यान दिए कुछ। बॉल को ले ली भाई, तो बीच में जो खड़े हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं साइड में हट जाए कृपया, बीच में ना खड़े रहे। तो आप जोश और जुनून देख सकते हैं अभी से भोंपू बजते हुए, कृपया बंद कर दे वरना गला बैठ जाएगा, कल भी बजाना है भाई, अभी से मत बजाओ, मैच के बाद बजाना, चौके छक्के पे बजाना, अभी हमारा माथा मत खाइए। तो कोई भी स्टेज के सामने ना खड़ा रहे, अपनी अपनी जगह ले ले, काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आज के अंपायर है कासम भाई कुरैशी और इकबाल शेख, स्कोरर है केडी सुरानी, कमेंटर है अकबर भाई बलोच, मोहम्मद कुरैशी, सकीम और रफीक मारा। शाहिद, चौके लगे तभी बजाना भाई, आप लाइव दिख रहे हैं। नवाज, शाहिद, मोबिन, मूसा, जूसा, सब मौजूद ग्राउंड पर। पिपुरे बाद में बजाइएगा, चौके छक्के लगे तब अपना गला फाड़िएगा। तो जल्द से जल्द मैच स्टार्ट होने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले क्रिकेट स्टार्ट। गेंदबाज है अकबर संघार और सामने है बल्लेबाज असलम मुतवा, नॉन स्ट्राइक पे है। बचाओ के स्टार हुसैन बलोच स्टेज से दूर रहे, खंभे से दूर रहे प्रेक्षक, बार बार बोल रहा हूं यार, कैमरा डकता है, सही से फोटो नहीं आती है। तो सोनू को नीचे उतारे, कहीं पाटिया ना टूट जाए। इसी बीच पहली गेंद का आगाज करेंगे अकबर, सामने है असलम। मांडवी में काफी कड़ा मुकाबला, पहली गेंद पे आउट किया था असलम को, आज आमने सामने बड़ा राइवरी अकबर और असलम के बीच। पहली गेंद राइट ओवर द विकेट, काफी बढ़िया गेंद है, अच्छी गेंद के साथ अंजाम देखना बाकी। तो इसी बीच काफी YouTube पे लाइव कमेंट आती हुई, लतीफ खलीफा, नूर मोहम्मद अबड़ा और आदम खलीफा इसी बीच हमारे बीच लाइव। अगली गेंद के लिए तैयार अकबर संघार, सामना करेंगे असलम मुतवा, काफी होनहार बल्लेबाज, उतने ही लाजवाब गेंदबाज। देखना होगा, काफी बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर रनों के लिए। लेकिन उतना ही लाजवाब दिशा पर दिखाई, गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। तो सेमीफाइनल का ये पहला चौका 11:15 लगता हुआ। तो इसी बीच लखपत से खेलने आए हैं अकबर सोढ़ा, काफी बढ़िया गेंदबाज है,
उनकी गेंदबाजी देखने के लिए पूरा बच्चाओ इंतजार करते हुए और बल्लेबाजी में आए हैं आज के हमारे काफी चहेते स्टार अस्पाक रबाड़ा, हितेंद्र सिंह जाडेजा, असलम मुतवा, आदिल कुरैसी, हुसैन बलोच, मुश्ताक अबड़ा और हमीर समा, महिपाल सिंह चावड़ा। काफी बढ़िया टीम है दोनों ही और सामने भी लाजवाब एक से बढ़कर एक, अकबर संगार, अकबर सोडा, भरत संगार, पीयूष ठक्कर, दर्शन ठक्कर, तो अगली गेंद के लिए फिर से तैयार असलम। आज के विनर रहे हैं गोंडल में जो टूर्नामेंट गया खेला गया था उसमें चैंपियन होकर आज बच्चा ऊपर मौजूद। इसी बीच सामना करेंगे असलम, तो लंबा प्रहार दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी पे गेजा बजते रहेंगे, चौके गए तो भी बजेंगे। ये प्रेक्षक किसी के साथ नहीं है, क्रिकेट के साथ है। विकेट लगे तो भी बजेगी, छक्के लगेंगे तो भी बजेंगे। धुआं बंद कर दे अगर आवाज सुन रहे हैं तापड़ी करने वाले, घर से कंबल लेकर आए। इसी बीच बड़ा धमाका, फटाके गूंजते हुए इस ग्राउंड पर। अगली गेंद अकबर की, एक और लंबा प्रहार, गेंद को भेजा बाहर 6 रनों के लिए। तो लगातार बढ़िया प्रहार करते हुए असलम मुतवा, एक और बड़ा धमाका, तो छक्के लग रहे अंदर, धमाके हो रहे बाहर, यानी कि संक्रांत में दिवाली का मजा। तो छोड़ बदा अकबर ने राउंड 2 विकेट करेंगे गेंद असलम के लिए। एक और लंबा प्रहार, गेंद को भेजा बाहर, मिलेंगे रन 6। अगली गेंद अकबर की सामने फिर से, एक और लंबा प्रहार, गेंद को भेजा बाहर, 4 रन। कवर के ऊपर से खेलने वाले असलम मुतवा, जो प्रेक्षक है बोर्ड से दूर रहे। 10 ओवर का यह मैच रहेगा, 2 ओवर पावर प्ले के। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी असलम के द्वारा। तो प्रेक्षक काफी खुशखुशहाल, इसे मजा लेते हुए इस मैच का। गेंदबाज का नाम बताएं, भाई बाहर जो बजा रहे हैं, कृपया जब चौके छक्के लगे तभी बजाए, बीच बीच में ना बजाए, डिस्टर्ब होता हुआ, मेरे कान काफी कमजोर है। तो गेंदबाज है शक्ति सिंह जाडेजा। अगली गेंद जाडेजा की, काफी बढ़िया स्लोवर गेंद, उतने ही लाजवाब हल्के हाथों से खेलते हुसैन बलोच। अगली गेंद जाडेजा की, काफी बढ़िया गेंद फिर से वहां पे, अब की बार भावे से मौजूद।
फिर से तैयार बल्लेबाज, सामना करेंगे जाडेजा का, अब की बार नहीं रोक पाएंगे, भावेश मिलेंगे रन चार। भाई प्रेक्षक मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया साथ दे, जब गेंद गिरे तब ना बजाए, अगर हल्की सी एज भी लगेगी तो सुनाई नहीं देगी, कृपया साथ दे, चौके छक्के लगे तब आप जितना चाहे बजा सकते हैं। एक और लंबा प्रहार, हल्की सी तो बढ़िया गेंद डालने के बाद हल्की सी फुल टॉस, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद को भेजा बाहर, बल्लेबाज है हुसैन बलोच, तो काफी दूर भेजा गेंद को, आने में काफी टाइम लगता हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूर को भेजा है हुसैन ने। तो काफी बढ़िया मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस ग्राउंड पर, अगली गेंद, एक और बड़ा प्रहार, तो स्कोर चार कदम आगे बढ़ता हुआ 40 रन, यानी कि 40 रन बनाने में कोई भी सिंगल नहीं लिया है, जो भी रन आए हैं बाउंड्री से आए हैं, तो देख सकते हैं बल्लेबाजी किस तरह से हो रही है। अब की बार बढ़िया गेंद, इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो स्कोर है 40 रन। इसी बीच मौजूद मजूसब समाणी, तो गेंदबाज अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं, काना भाई रबारी गेंद करेंगे अब की बार असलम मुतवा के लिए, तो दो ओवरों में काफी बड़े प्रहार देखने को मिले हैं, तकरीबन 20 की रन रेट जारी है इस दो ओवरों में। और टेम्पा भी आया है, खाली शोभा का गांठिया नहीं है, उसको बजाया जाए। इसी बीच कवर में भेज दिया असलम मुतवा ने गेंद को, चार रन, तो काफी बढ़िया इंतजाम किया है बीएम साउंड ने, काफी सहयोग देते हुए, आज पूरा ट्रक भेजा है माइक से भरा हुआ, उनके ओनर है भावेश भाई पिठड़िया। एक और लंबा प्रहार, गेंद को भेजेंगे बाहर 6 रनों के लिए। तो अगली गेंद काना भाई रबारी की, सामने है मुतवा, अगली गेंद, एक और लंबा प्रहार, यानी कि लगातार गेंद को भेज रहे हैं बाहर।
तो स्कोर 56। बिना कोई सिंगल के बने हैं 56, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज समखा के आए हैं, सिंगल नहीं लेंगे। तो टाइगर ने पर्दा तोड़ दिया है, एक टाइगर हमारी ओर आते हुए एनिमल को बाहर निकाले। अगली गेंद काना भाई रबारी की, सामना करेंगे। आपकी बार देखना होगा अंपायर का इशारा, ये वाइट, तो काफी सर के ऊपर से निकलती हुई ये गेंद और वन बाउंस भी साथ में, यानी गरीबी में आटा गीला फ्रॉम मामनसा शेख अंजार। एक और लंबा प्रहार, गेंद को पेच से बाहर, 6 रनों के लिए। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी असलम मुतलवा, 10 गेंद खेलने के बाद नाबाद है 48 पर। तो स्कोर बना है 63, तीसरा ओवर प्रगति पर, कल से चालू है। कल भी गाभे निकले थे और आज भी गाभे। तो 4 ओवर 4 गेंदें हुई है तीसरे ओवर की। तो अब की बार छोड़ बदलते हुए काना भाई रबारी, सामना करेंगे फिर से मुतवा। देखना होगा, फिर से गेंद को भेज रहे हैं नहीं, काफी बढ़िया फील्डिंग अब की बार भावे से मौजूद। तो ये पहला सिंगल मिलता हुआ इस इनिंग का, आखिरी गेंद इस ओवर की, स्कोर है 64 बिना किसी नुकसान के। तो काफी बढ़िया गेंद, इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 64 बिना किसी नुकसान के। 49 पे नाबाद असलम मुतवा, 11 गेंदे खेलने के बाद 49 पे नाबाद। तो इसी बीच रहमतुल्ला समा हमारे बीच कमेंट में मौजूद, थैंक यू रहमतुल्ला भाई समा फ्रॉम गांधीधाम। तो गेंदबाज कप्तान ने थमाई है भावसंग जी जडेजा उर्फ भावेश। तो काफी बढ़िया गेंदबाज है भावेश, काफी बढ़िया टीमें है दोनों ही, छक्के चौके तो देखने को ही मिलेंगे।
अगली गेंद काफी बढ़िया स्लोवर गेंद, कुछ समझ नहीं पाए इस गेंद को असलम। तो भोपुरे बंद होते हुए असलम ने थका दिया है। अगली गेंद भावेश की, काफी बढ़िया गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा और हल्की सी चूक, यानी गरीबी में आटा गीला, झटके देंगे, मिलेंगे रन चार और एक वाइड का, यानी कि पहला पंजा। तो फिर से तैयार, काफी बढ़िया गेंद अब की बार, लेकिन देंगे झटके इकबाल भाई शेख, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को छोड़ दिया असलम ने, तो काफी स्विंग कराते हुए भावेश। अब की बार रिवर्स स्वीप नहीं रोक पाएंगे फील्डर, भेजा बाहर, चार रन मिलेंगे, तो ये क्लासिक पॉइंट है, चार रन। तो स्कोर है 74। फिर से सामना करेंगे भावेश का राइट आर्म, देखना होगा, एक और चार रन, यानी गरीबी में आटा गीला, अच्छी गेंद थी, भेजेंगे बाहर। तो लगातार बाउंड्री में डील कर रहे हैं असलम, इसी बीच अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, स्कोर बनाया है 57 14 गेंद खेलने के बाद। तो काफी लाजवाब बल्लेबाजी असलम के द्वारा, अब की बार बाल बाल बच्चे रिवर्सिप खेलना चाहते थे, गेंद विकेटों से ऊपर गिरी, तो स्कोर बना है 78 चौथा ओवर प्रगति पर। अब की बार फिर से गेंद को खड़ा कर दिया है, देखना होगा, कोई भी फील्डर नहीं रोक पाएगा, एक और 6 रन। तो नाजिर का, सिद्दीक का, रहीम का और इफा का, सबका बदला लेगा रे तेरा असलम। अगली गेंद काफी बाहर कर दी इस गेंद को, वाइड का इशारा, आज के मुख्य अंपायर इकबाल भाई शेख और कासम कुरेशी स्कोरिंग में साथ दे रहे हैं, केडी सुरानी, शकील कुरेशी, मोहम्मद कुरेशी और अकबर भाई बलोच, और लाइव की सेवा दे रहे हैं सोनू उर्फ डमरू। काफी बढ़िया गेंद, अब की बार धीमे हाथों से खेलते हुए अपना छोड़ बदलते हुए स्ट्राइक पे भेजा हुसैन बलोच को, वापस आएंगे हुसैन क्योंकि ओवर हो गया खत्म। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद 86। तो एक और काफी जाना माना नाम अकबर भाई सोडा, काफी लाजवाब गेंदबाज है।
हमारे बीच मौजूद। कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं, टीम के लिए पांचवा ओवर लेकर आए हैं। इस रनों के सैलाब को रोक पाएंगे इकबाल अकबर। अगली गेंद अकबर की, काफी बढ़िया गेंद और नो बॉल। तो ओवरस्टेप कर गए अकबर, लकीर से बाहर गेंद की, नहीं छोड़ेंगे कासम कुरैशी। काफी चौकन्नी निगाहें हैं, उनका कारण है आई क्लिक के लेंस, जिनके ओनर है कुलदीप सोनी। और ये गेंद फ्री हिट रहेगी, तो बड़ा मौका असलम के पास इस गेंद को खेलने का। फिर से तैयार अकबर, काफी बढ़िया गेंद। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी, उतनी ही लाजवाब गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है अकबर के द्वारा। काफी बढ़िया गेंद, तो लगातार डॉट करवाते हुए अकबर सोढ़ा। अकबर सोटा फ्रॉम लखपत काफी दूर से आए हैं इस ग्राउंड पर। आपकी बार, नहीं छोड़ेंगे असलम। तो काफी दूर भेजा गेंद को, स्कोर है 93, पांचवा ओवर प्रगति पर। तो काफी लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई असलम के द्वारा। अकबर फिर से तैयार, एक और लंबा प्रहार। खेले थे उनकी याद दिलवाते हुए असलम, वो बल्लेबाज थे सातलपुर के, ये भुज के, दोनों ही गाभा काटने में माहिर। तो काफी बढ़िया गेंदबाज है अकबर सोटा, अब की बार फिर से भेजा बाहर। तो अगली गेंद असलम के लिए, काफी बढ़िया गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर, तो गेंदबाजी पहली दो गेंद के बाद हावी होते हुए असलम। तो इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज तरसे हो गए हैं। तो आसिफ भाई जो बचा हुआ पानी है, एक रुपया यहां पे लाए, वो बल्ले से मार रहे, हम गला बैठा दिया है आज
बटिया का पानी पिलाए। अगली गेंद अकबर की सामने है, अब की बार हाथ खोले हुसैन बलोच ने, गेंद को भेजेंगे बाहर। देखी जा रही है, तकरीबन YouTube पे लाइव है काफी प्रेक्षक, और बचाव के भी तकरीबन 3 से 4 हजार प्रेक्षक मौजूद इस ग्राउंड पर, काफी बढ़िया। लेकिन अब की बार झटके देंगे इकबाल शेख वाइट का इशारा, तो स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 112। काफी बढ़िया गेंद, अब की बार सिंगल लिया, अपना छोर बदलते हुए हुसैन सामना करेंगे अकबर का, अब की बार असलम मुतवा 82 पे नाबाद 24 गेंद खेलने के बाद फिर से तैयार, राइट हम ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद भेजेंगे बाहर, यानी कि 6 रन। तो स्कोर 6 कदम आगे 119, छठा ओवर प्रगति पर। फिर से तैयार, सामना करेंगे मुतवा, एक और लंबा प्रहार, अब की बार देखना होगा, गई है गेंद जाकी जगह पे 6 रनों के लिए। मैंने 2 ओवर किए थे, मेरे को रन पड़े थे 48। तो 6 रन से दूर अपना शतक से असलम मुतवा, काफी बढ़िया गेंद, तो 6 रन दूर है अपने शतक से मुतवा, काफी बढ़िया गेंद, अब की बार धीमी गति से गेंद करते हुए अकबर संघार। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 125। पहले मैं भी निवृत्ति का सोच रहा था, लेकिन अब फिर से खेलूंगा, कोई मेरे को अफसोस नहीं है। इकबाल राजा अगर आवाज सुन रहे हैं तो यहां पे आए, गेंदबाज का नाम बताए, तो गेंदबाज है पार्थ, शुक्रिया इकबाल भाई, वो बोलते खेलो, छक्के चौके तो लगते रहते, इसमें क्या बड़ी बात है, जो गेंदबाजी करेगी उसी में लगेंगे, बाहर थोड़ी लगेंगे। तो अगली गेंद पार्थ की,
तो ये डॉट गेंद में भड़ाका होता हुआ काफी लेट फूटा, जलाया पहले था लेकिन फूटा लेट में, तो बॉलर को प्रोत्साहित करने के लिए फटाका फूटा है। अब की बार फिर से गेंद को खड़ा कर दिया है, गेंद फिर से वही जगह पे, चार रन मिलेंगे। तो हुसैन बलोच फॉर्म में आ चुके हैं, बाद खेलने के बाद 31 रन नाबाद। ओ अकबर, अरे कुछ करे यार, फिर से तैयार। अब की बार फिर से हाथ खोले हुसैन बलोच ने, पापा काफी खुश अकबर बलोच, छह रहेंगे। काफी बढ़िया गेंद पूरी तरह वापसी करते हुए, लेकिन एक रन देने से नहीं रोक पाएंगे इसे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 142, सातवां ओवर प्रगति पर। रन, गेंदबाज है पार्थ, विकेट लेनी होगी अगर रनों पे रोक लगानी है। काफी बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति। तो कल जो मैच खेला गया था, सागर राय का, नाजिर कुरैशी, इरफान सोलंकी, सिद्दीक कुरैशी, रहीम बादशाह, महबूब कुरैशी, सिकंदर मीर, सभी इस मजा लेते हुए काफी खुशखुशाल है सभी मेरे सिवा। मेरा पूरा समर्थन अकबर संघार को है, मेरी फेवरेट टीम है। अब की बार लंबे प्रहार, अकबर काफी नाराज, छह रनों के लिए गेंद को भेजा बाहर। हुसैन अब की बार मौका बना है, नीचे फील्डर मौजूद सोएब लुहार, लेकिन गेंद से काफी दूर। तो स्कोर 149 रन। तो मुतवा एक बड़ा प्रहार, ये पहला सेंचुरी लगेगा इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट का। और नहीं मारेंगे छक्का, मिलेगा चौका, यानी कि दो रन और बाकी सेंचुरी में। स्कोर 153 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद, लंबा प्रहार, गेंद को भेजेंगे बाहर। इसी बीच ये सेंचुरी लग हुआ, तो स्कोर 6159। अगर 250 रन भी बने तो भी मुकाबला काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि सामने भी लाजवाब बल्लेबाज है, अगर वो भी खेलेंगे तो दोनों तरफ से घाबे निकलेंगे।
अब की बार देखना होगा कोई भी फील्डर नीचे नहीं, 6 रन। आठ ओवर की बाद बाप रे बाप स्कोर 65। तो गेंदबाज कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अकबर सोडा, टीम के लिए 9 ओवर। प्रगति पर सामना करेंगे बलोच, काफी बढ़िया गेंद और निकल चुके हैं मुतवा, मेरे ख्याल से स्ट्राइक पे रहना चाहते थे, हुसैन बलोच का अर्धशतक नहीं बनने दिया। तो जाने माने बल्लेबाज, काफी मैच देखा है हमने उनका यूट्यूब पर लाइव पहली बार, अशफाक रबाड़ा। फ्रॉम तलाला सलीम आएंगे, रहीम आएंगे, गुलाम आएंगे और अकरम भी आएंगे। तो कृपया डिस्कशन ना करें, इधर यूट्यूब में भी लाइव है, अगर आपको इधर थर्ड एम्पायर में भी सुविधा है, अगर क्रॉस का कुछ आपको डिस्कशन करना है तो यहां पे देख सकते हैं। हुसैन बलोच आउट है, क्रॉस हो चुके हैं यहां पे, इधर रिप्ले भी है आप देख सकते हैं अगर देखना है। देखना होगा एक रन लेने की मौका दिया है, अब स्ट्राइक पे है अशफाक रबाड़ा। तो सुलेमान नामरी कुंभार काफी खुश, उनके फेवरेट प्लेयर है रहीम बादशाह। तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अशफाक रबाड़ा सामना करेंगे अकबर सोडा का, पहला गेंद बचाव पे खेलते हुए, काफी बढ़िया गेंद मानूंगा मैं अकबर सोडा की।
काफी बढ़िया गेंदबाजी अकबर के द्वारा बताते हुए यहां पे काफी बेहतरीन गेंदबाज है अकबर, और हम देख भी चुके हैं उनकी गेंदबाजी। तो 9 ओवर प्रगति पर गेंद हुई है 4, सामने है हितेंद्र सिंह जाडेजा, 9 स्ट्राइक पे असलम मुतवा। तो रनों पे रोक लगी है हल्की सी, काफी बढ़िया गेंदबाजी अकबर के द्वारा, काफी बढ़िया गेंद। अगली गेंद असलम के लिए, सामना करेंगे अकबर का। राउंड द विकेट और ये बड़ा प्रहार, 6 और की समाप्ति के बाद तो स्कोर 173 9 ओवर की समाप्ति के बाद, और गेंदबाज मेरे ख्याल से आए हैं भावेश। अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद, तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी असलम के द्वारा, उतने ही लाजवाब गेंदबाजी अकबर, और इस गेंद पर भावेश प्रभावित करते हुए सभी प्रेक्षकों को। फिर से सामना करेंगे हितेंद्र सिंह, काफी बढ़िया गेंद, तो रनों पे रोक लगाते हुए सामने फिर से जाडेजा, काफी बढ़िया गेंद, मौका बना था रन आउट का, लेकिन बाल बाल बचे। तो स्कोर है 174 आखिरी ओवर प्रगति पर, काफी बढ़िया 3 गेंदें डाली है, इस 3 गेंदों पर अब सामना करने आए हैं मुतवा। काफी बढ़िया अजीब गरीब शॉट, वाइड परेशान था, पैर में लथड़िया खा जाते। अगली गेंद और ये आउट, देखना होगा अंपायर का इशारा, आउट। तो लाजवाब बल्लेबाजी, उतने ही लाजवाब गेंदबाजी भावेश के द्वारा। तो इसी बीच
बिना चावी का ढींगला डमर। आखिरी गेंद खेलने आए हैं डोरेमोन सोनू अंसारी। ओ योगी छक्का मार। ओ बड़े बड़े स्टार में आप ढींगले लगते हुए। तो स्कोर बना है 174। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी भावेश्वर अकबर के द्वारा। तकरीबन लगता है कि 200 के पार जाने वाले हैं, लेकिन काफी बढ़िया गेंदबाजी करके 174 पे रोका। मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने है होनहार बल्लेबाज सोएब लुहार। तो स्टेज से दूर रहे, लाइव वाला स्टेज ना हिलाए। जो बल्लेबाज छक्के मार रहे हैं, अगर आप हिलाएंगे तो चौके हो जाएंगे, कैमरे में आते नहीं है सही से। तो कृपया दूर रहे स्टेज से।
11 अपने सलामी बल्लेबाज भेजे। इस बीच तय भाई लेवन जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाएं। इस बीच सलामी बल्लेबाज जाते हुए दर्शन ठक्कर और सोएब लोहार। तो आज का ये पहला सेमीफाइनल जिनकी याद में खेला जा रहा है वो पांच नाम अशरफ अहमद बिन अरब, अकरम जुसब अबड़ा, इमरान जुसब भट्टी, अशरफ मैसन बिन अरब और वली मोहम्मद राजा की याद में जो आगाज किया है आयोजकों ने। आयोजक है मोहसिन भाई अरब, आसिफ भट्टी और मामन भाई अबड़ा और इस आयोजक को सफल बनाने के लिए जो साथ मिला है स्पॉन्सरों का विश्वास टायर, आई क्लिनिक, कुंभार आबिद अली मोहम्मद, केकेसी पर्दा, वसीला स्क्रेप, एके कंस्ट्रक्शन, बीएम साउंड, सैयद वुड प्लेट, एसएच ड्रिंकिंग वाटर, विश्वास टायर, वनराज टी, अलिफ एंटरप्राइज, एबी फैशन, नूरानी होटल एंड गेस्ट हाउस और लोफर मेंसवेयर और लाइफ कूलिंग सिस्टम उनके ओनर है मोहम्मद भाई मथरा। और स्टेज पे जो हमारे मेहमान आए हैं आज इस मैच का मजा लेने, पूरा स्टेज जलमानुमा है उनकी आमद से, ऐसे सैयद शेरअली बापू, अकबर भाई बलोच, अर्जुन सिंह जाडेजा, साजिद भाई बलोच, सुलेमान कुंभार, भरत भाई जोशी, अनवर भाई राजा,
अली मोहम्मद कुंभार, रमीज राजा, सद्दाम त्राया, सैयद आजाद बापू, जीवा सत्तीवान और पहली गेंद पर गेंदबाज है महिपाल सिंह चावड़ा, सामना करेंगे दर्शन ठक्कर। काफी बढ़िया गेंद, अगली गेंद चावड़ा की, सामना करेंगे ठक्कर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए तैयबा इलेवन ने स्कोर बनाया है 174। जीतने के लिए आमंत्रित किया है और बल्लेबाजी के लिए आए हैं दर्शन ठक्कर और सोएब लोहार, और गेंदबाज है महिपाल सिंह चावड़ा। और ये पहला और नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर इकबाल शेख का, ओवर स्टेप करके मेरे ख्याल से, काफी बढ़िया कैच लपका था राजेश थे मेरे ख्याल से फील्डर। तो यानी कि एक जीवन दान मिलता हुआ दर्शन ठक्कर को। अगली गेंद चावड़ा की और भेजे बाहर 6 रनों के लिए, फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए तो फिर से तैयार बल्लेबाज, एक और लंबा प्रहार, तो स्कोर 6 थैंक यू सती कुकुरेसी। इस बीच हम मेपल चले सामना करेंगे दर्शन, स्लोअर किस्म की गेंद की थी, चकमा दिया, अब गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 19 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी की ओर से, काफी लंबा चौड़ा लक्ष्य, अगर ये मुकाबला जीतना है तो ऐसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी सहारा इलेवन की ओर से। इस बीच अगले गेंदबाज मेरे ख्याल से सुरेश तामिल, बीच दोनों ही एम्पायर जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करवाइए, आज थोड़ा वेल आ जाएंगे हम घर और सोएंगे सुकून की नींद। अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं सूर्य तामिल, जो गांधी गांव से ताल्लुक रखते हैं। इसी बीच अमेरिका का कुछ सलाह दे सलाह मशवरा करते हुए सुरेश तामिल के साथ हमारे चाचा
आज टोपी चेंज। इस बीच जाते हुए सुरेश तामिल ऑफ स्टंप से भटके, एम्पायर कासम कुरैशी का इशारा, व्हाइट गेंद, अतिरिक्त रन, स्कोर एक कदम आगे 20 रन। सामना करेंगे सोएब सुरेश तामिल का, काफी लंबा रन, अब सुरेश चले, काफी अच्छी गेंद गुल्लेन के ऊपर से उछाल लेती हुई, लेकिन सबल के खेला, गेंद वहीं की वहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं का वहीं रुका हुआ 20 रन। इस बीच सुरेश चले, उठा के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट और गेंद का कोई संगम नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, काफी अच्छी गेंदबाजी सुरेश की ओर से। फील्ड में हल्की सी तब्दीली करते हुए यहां पे इस बीच सुरेश चले, फुल टॉस किस्म की गेंद की थी, सही नसीहत, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का, इस बीच सुरेश चले, काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे रखी थी, लेकिन वहां पे सोनू मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, फिर से एक बार सुरेश चले, सामना करेंगे सोएब, लेकिन ऑफ स्टंप से भटके, एम्पायर कासी का इशारा, वाइट गेंद, स्कोर एक कदम आगे 27 रन, बिना कोई विकेट के नुकसान पर, काफी रोमांचक मुकाबला, दोनों ही बड़ी टीम। इस बीच सुरेश चले, सामना करेंगे सोएब, काफी अच्छी गेंद हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, स्कोर 4 आगे 31 रन। फिर से एक बार सुरेश चले, सामना करेंगे सोएब, उठा के खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, काफी बेहतरीन शॉट लगा, और सहारा 11 के 37, यकीनन 3 रन पीछे अभी भी खेलती हुई सहारा 11, काफी अच्छे बल्लेबाजी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज की ओर से। हल्का सा सलाम मशवरा चलता हुआ, जैसे ही उनको जीतना है वैसे ही औसत से खेलती हुई यहां पे सहारा 11।
इस बीच अपने कुट का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेके आए हैं आदिल, हमारे बड़े भाई हैं आदिल। बकाली का हमारा धंधा है, हम बकाली नहीं है। इस बीच खली है कम, लेकिन बाद में गेंद नहीं गिरेगी। इस बीच आदिल चले सामना करेंगे दर्शन, काफी अच्छी गेंद, गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीचे रहती हुई। फिर से एक बार आदिल चले सामना करेंगे दर्शन, पटकी हुई गेंद थी, गेंद को काफी बेहतरीन कैच अश्वाकर बड़ा की ओर से, गेंद यकीनन 6 रन के लिए जा रही थी, लेकिन गेंद को लपका, यकीनन बटरफ्लाई बनते हुए यहां पे अश्वाकर बड़ा, दर्शन को पेवलियन का रास्ता दिखाते हुए आदिल। इस बीच जाते हुए मेरे ख्याल से यहां से भावेश, काफी बेहतरीन कैच को लपका, इस बीच दोनों ही अंपायर जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करवाए सलाह मशवरा, थोड़ा कम रन काफी ज्यादा बन गए इसलिए, लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी असलम मुतवा और हुसैन बलोच ने। इस बीच पप्पी, पीछे पप्पी, पप्पी का अब्बा, इस बीच हमारे मेहमान पधारते हुए अकबर भाई राजा, इस बीच स्ट्राइक पे भावेश, नो स्ट्राइक पर सोयब, गेंदबाज में आदिल, इस बीच आदिल चले इस बीच गेंद को मोड़ा, बेहतरीन शॉट लगाया, अब भावेश ने आते ही अपने खाता खोला 4 रनों से, सोनू पप्पी को बाहर निकालिए, इस बीच अगली गेंद सामना करेंगे भावेश, उठा के खेला है मिड विकेट की ओर, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी भावेश की ओर से। आगे है एम्पायर, आते ही भावेश ने 2 बाउंड्री लगा, पहला चौका और दूसरा 6, 2 गेंदों पे 10 रनों पे नाबाद। इस बीच आदिल चले सामना करेंगे भावेश, लेकिन टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में,
इस बीच आधी ले चले सामना करेंगे भावेश, लेकिन फुल टॉस किस्म की गेंद, अंपायर इशारा देना बाकी। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनाए 48 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 48 रन 48 एक। चेक करिए लेकिन एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, इस बीच एम्पायर का इशारा नो बॉल। यहाँ पे थर्ड एम्पायर डिसीजन नहीं है, रिव्यू नियम नहीं है।
इस बीच बाकी के प्रेक्षक मित्र जितने भी हैं वो ग्राउंड से बाहर निकले जाएं। मुकाबला शुरू होने जाने वाला। इसी बीच अगली गेंद फ्री हिट। दोनों ही अंपायर जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करवाए। इस बीच आदिल चले सामना करेंगे सोयब। काफी अच्छी गेंद, गेंद को मोड़ा रिवर्सिव अंदाज में। इस बीच ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है लॉस ऑफ वन विकेट। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 53 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। अपने घोड़े का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं मैपल सिंह चावड़ा। सामना करेंगे भावेश। नो स्ट्राइक पर सोए अब दोनों ही लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। इसी बीच चावड़ा चले, काफी अच्छी गेंद पैरों के लग गई है लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। लेग बाय अंपायर का इशारा। स्कोर चार कदम आगे 57 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। फिर से एक बार काफी लंबा सा रन पर चले मैपाल। उठा के खेला है, गेंद जाएगी छह रनों के लिए बॉक्स के ऊपर से। स्कोर छह कदम आगे 63। फिर से एक बार चले मैपाल। स्लोअर किस्म की गेंद की थी, गेंद हवा में लेकिन पूंछ से दूर। यकीन सूरज सिंह अपनी जगह पे पहुंचते हुए एक रन मुकम्मल किया। स्कोर एक कदम आगे 64 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। फिर से एक बार स्ट्राइक पर है सोयब। तीन गेंदें हुई है, पहली गेंद लेग बाय, दूसरा छक्का और एक सिंगल। माफ कीजिएगा ये केडी सुरानी से थोड़ी सी मीट चूक होती हुई, एक नौ बॉल में छक्का लगा। और कृपया यहां पे जो प्रेक्षक है बातें ना करें, अगर बातें करना है तो दूर चले जाए, शांति से मैं देखे यहां पे डिस्टर्ब ना करें। अगली आवाज शकील कुरैशी की। फिर से नौ बॉल, गरीबी में आटा गीला।
अगली गेंद में पाले चले करेंगे, अब उठा के खेलने का प्रयास नीचे सुरेश, लेकिन फ्री हिट गेंद, सुरक्षित अपनी जगह पे पहुंचते हुए सोएब। फिर से एक बार स्ट्राइक पे बावेस, काफी आक्रामक रूप में आए हैं, फिर से नो बॉल, एम्पायर का इशारा, लेकिन हल्की सी मिस फील्ड और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए, यकीनन पंजा मिलेगा। अगली गेंद में पाल चले, पटकी हुई गेंद, यकीनन चक्का मार दिया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। दो गेंद आना से इसी सवर की, इस बीच में पाले चले, काफी अच्छी गेंद, गेंद को मोड़ा मिड विकेट दिशा में, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। 78 मुकाबला भी इतना भी अच्छा, काफी अच्छा मुकाबला। इसी बीच में पाले चले, सामना करेंगे भावेश, काफी अच्छी गेंद, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अब भावेश को। इस बीच चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 79 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। छत्तीस गेंदों पे 96 रनों की जरूरत। कल एक सेमीफाइनल मुकाबला अर्जुन इलेवन वर्सेस फ्रेंड्स इलेवन के बीच में होने जाने वाला मुकाबला, काफी दोनों ही टीम अच्छी है। छुट्टी के दिन प्रेक्षक जितने भी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो कल जल्दी से आए और मैं के लिए इस बीच अपने कोटे का पहला और टीम का पांचवा ओवर लेकर आए हैं राजेश नायडू, जो गांधीधाम से ताल्लुक रखते हैं।
इस बीच राजेश स्ट्राइक पे है, भावेश और बाकी के प्रेक्षक जो कमेंट बॉक्स के बाजू में खड़े हैं वो धीरे से बोले, उनका ऑडियो लाइव में जाता हुआ तो बोलिए। इस बीच राजेश चले सामना करेंगे भावेश, काफी अच्छी गेंद, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना और गेंद जाएगी खिलाड़ी के हाथ में, यकीनन आउट। इसी बीच पेवेलियन से निकलते हुए भरत सिंगार सामना करेंगे राजेश नायडू का, इस बीच एम्पायर के सारा ऑप्शन से भटके अतिरिक्त रन, स्कोर एक कदम आगे 80। इस बीच अगली गेंद फ्री डिलीवरी, गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में, मोहम्मद सासेक मिस्टर लजपाल लाइव में कॉमेंट मारते हुए। गेंद काफी अच्छी गेंद, गेंद वहीं क्यों है लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे, स्कोर एक कदम आगे 81 रन। फील्ड में हल्की सी तब्दीली, अब सामना करेंगे सोयब। इस बीच राजेश चले स्लोअर किस्म की गेंद दी लेकिन गेंद गई पीछे लेग प्लेयर के हाथों में, बीज राजेश चले नेक्स्ट स्टंप से बढ़ के एम्पायर इकबाल से काइंड, स्कोर एक कदम आगे 82 रन, पांच मावर प्रगति पर। इस बीच पप्पी फिर से ग्राउंड में, अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, गेंद जाती फाइन लेग दिशा में, वहां पे अशफाक हरबाड़ा मौजूद लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। असलम के पीछे पप्पी,
असलम को जूम करके देखते हुए। इस बीच राजेश चले स्ट्राइक पे, भरत उठा के खेला है, वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस बीच ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 87 रन, लॉस ऑफ टू विकेट। इस बीच आते हुए अपने कोटे का पहला और टीम का छठा ओवर लेकर अस्पाकर बाड़ा, जो तालाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। तो इसी बीच फ्रॉम तलाला उर्फ लाला अस्पाकर रबाड़ा सामना करेंगे सोयब रबाड़ा का। काफी तेज गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा। आज के अंपायर है गजेंद्र सिंह झाला और इकबाल शेख। फिर से गेंद करेंगे रबाड़ा, अब की बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे, काफी तेज गेंद निकली रबाड़ा की। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी बढ़िया प्रहार। अब की बार असलम मौजूद लेकिन हल्की सी चूक, मिलेगा रन एक। एक मिनट भाई रुक जाइए, खेला खेल करो के। चला गया, आपकी आवाज सुन के उनको मजा नहीं आया। काफी बढ़िया गेंद और आउट। तो काफी पहले जलाया था लेकिन फूटा बेद में, खराब है फटाकड़े की। तो सामने है पीयूष गेंदबाज स्पार्क, लेफ्ट हैंड गेंदबाज स्पार्क गेंद करेंगे। काफी बढ़िया गेंद, तो अगली गेंद अस्पाक की फिर से तैयार गजू। अब की बार देंगे झटके मिस्टर एक्स्ट्रा के खाते में, एक रन व्हाइट। तो स्कोर धीमी रफ्तार से बढ़ता हुआ 90 रन, छठे ओवर का प्रगति पर ओवर। गेंदबाज अस्पाक काफी गेंद, अब की बार वहां पे चाचा मौजूद। मेरे भतीजे के चाचा, मेरे तो भाई है, हमेरे समा। तो काफी बढ़िया ओवर, काफी बढ़िया तेज गेंद, ओवर की समाप्ति। अच्छे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 91।
लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स, रिक्वायर्ड रन रेट 21। तो रन रेट काफी बढ़ चुका है, हर ओवर में 20 या 21 रन लेने होंगे अगर ये मैच जीतना है। तो काफी बढ़िया बल्लेबाज है गजू और सोयब, गेंदबाज है नायडू और गजू ने हाथ खोले, गेंद गई दाखिल जगह पे, 4 रन। सुपरमैन नहीं है सुलेमान, ऐसे कैच लपकेंगे तो छोला जाएंगे। तो अभी भी 23 गेंदों में 80 रनों की जरूरत, अगर सोयब आखिर तक खेल गए तो यकीनन ये रन मुश्किल नहीं है अगर बनाने, अगर जीतना है मैच। सामना करेंगे गजू, गेंदबाज राजेश, अब की बार नीचे फील्डर 3 तिगड़ा, चाचा पकड़ेंगे कैच एक टपी से। तो काफी लंबी दौड़ लगाई आमिर समा ने, तो स्कोर 96। अगली गेंद सोयब के लिए, तो काफी देर के बाद गेंद गई पिछवाड़े में, अरे देखना होगा मुश्ताक, काफी धीमी फील्डिंग। लेकिन हार गए गेंद से, गेंद गई 4 रनों के लिए बाहर। इसी बीच 100 रन मुकम्मल करती हुई सहारा 11। एक बार फिर से मुश्ताक, काफी धीमे है आज। काफी बढ़िया दौड़ लगाई सोयब ने, तो स्कोर 102 रन। अगली गेंद, अब की बार हाथ खोले और गेंद जाएगी फिर से, अब भाई पहले गेंद ना पकड़े। अगली गेंद, काफी बढ़िया गेंद, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 108। तो 18 गेंद बाकी है, रन बनाने हैं 67, स्कोर बना है 108। तो 3 ओवरों की पारी बाकी है, रन बनाने हैं 67, विकेट गिरी है 3, गेंदबाज है अस्पाक, सामने गजू, नॉन स्ट्राइक पे सोयब,
काफी बढ़िया गेंद, मेरे ख्याल से लाइन को पकड़ लिया है अशफाक ने। तैयार गजू, काफी बढ़िया गेंद, तो काफी तेज तर्रार गेंदबाज है अशफाक। अगली गेंद अशफाक की सामना करेंगे गजू, अब की बार तीर की तरह निकली गेंद, नहीं रोक पाएंगे सुलेमान चाचा चार रनों के लिए। तो स्कोर चार कदम आगे बढ़ चुका है, 112 रन, आठवां ओवर प्रगति पर, अभी भी 15 गेंदे, 63 रनों की और जरूरत। अगर ये मैच जीतना है तो लंबे प्रहार करने होंगे। काफी बढ़िया गेंद, अगली गेंद अशफाक के लिए, अशफाक करेंगे गजू के लिए, हल्की सी फुल टॉस धकेल दिया है, वहां पे हमारे लोकल प्लेयर मौजूद सोनू अंसारी। काफी देर के बाद गेंद आई सोनू के पास, तो अगली गेंद, काफी बढ़िया गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद है, ओवर की समाप्ति, आठ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 114 रन, तीन विकेट के नुकसान पे, आखिरी की दो ओवर रन बनाने हैं, 61 यानी हर गेंद पे 30 रन लेने होंगे। तो काफी बढ़िया टीम है, हालांकि स्कोर काफी ज्यादा है, फिर भी पीछा कर रही है, जद्दोजहद जारी। अपने लोकल गेंदबाज कोई भी नहीं दिख रहे हैं आज, आदिल कुरैशी को बाद करके। अगली गेंद, लंबा प्रहार, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई बाहर, चार रन लिए। अगली गेंद सामना करेंगे फिर से सोयब, अब की बार गेंद को खड़ा कर दिया है और नहीं छोड़ेंगे हितेंद्र। अकबर संघार,
स्कोर 118 रन, 10 गेंदों में रन बनाना है 57, यानी कि हर गेंद को बाहर भेजना होगा। अगली गेंद, काफी बढ़िया गेंद, अगली गेंद सुरेश की और एक और विकेट। तो इसी बीच आदिल कुरैशी ने काफी बेहतरीन कैच लपका। लंबा प्रहार, गेंद के लिए 6 रन के लिए भेजेंगे बाहर। अब की बार फिर से गेंद को चाल दिया ऊपर नीचे, आदिल कुरैशी नहीं छोड़ेंगे गेंद को, एक और विकेट। बल्लेबाज जिगर गेंदबाज है आदिल, तो आदिल एक और विकेट का मौका और तो एक और विकेट का पतन, अब आए हैं अकबर सोढ़ा। स्कोर है 124, 5 गेंदों में 51 रनों की और जरूरत। तो काफी लाजवाब गेंदबाजी आदिल के द्वारा, 2 विकेट ले चुके हैं, एक और विकेट लेंगे तो टॉपर बन जाएंगे, अभी भी टॉप पर ही है। तो काफी बढ़िया गेंद,
तो मुस्ताक के पीछे रबाड़ा। काफी बढ़िया गेंद, हल्की सी अंदर की ओर रुख किया गेंद ने। तो अगली गेंद, काफी बढ़िया गेंद, कौन है बल्लेबाज? अकबर चोटा। दो गेंदे बाकी है रन बनाने हैं, एक गेंद पर 26.5। एक और विकेट, बढ़िया गेंदबाजी आदिल के द्वारा। अगली गेंद, एक और मौका, यानी कि चौथा विकेट लेंगे आदिल कुरैशी। और मेडन ओवर, 3 विकेट आखिरी ओवर में। काफी मैच कौन है? तो मैन ऑफ द मैच कौन है? असलम मुतवा। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी असलम ने, उतने ही लाजवाब गेंदबाजी आदिल के द्वारा। तो मैन ऑफ द मैच की जर्सी देंगे इकबाल भाई राजा। जर्सी मतलब छोटा जो होता है ना वो होता है, जर्सी मतलब धावरा नहीं।